जय हिंद दोस्तों, भारत दस्तक में एक बार फिर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुजन समाज के बारे में कुछ खबरें दूंगा। अगर आप लोग वो खबरें जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत सी खबरें मिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है बहुजन समाज के लिए वो ये है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर दलित समुदाय के ऊपर अत्याचार का मामला सामने आया है। यहाँ दलित युवक की बारात के दौरान बाबा साहब आम्बेडकर के पोस्टर साथ ले जाने के कारण बवाल मच गया और ऊंची जाति के लोगों ने बारात पर हमला कर दिया। इस दौरान दलित समाज के बारातियों के साथ मार पिटाई भी की गई। यह मामला है उत्तर प्रदेश के असरोली गाँव का, जहाँ पर कुछ ऊंची जाति के लोगों ने दलित बारातियों पर हमला कर दिया और जो लोग बाबा साहब आम्बेडकर के पोस्टर लेकर जा रहे थे उनसे पोस्टर छीनकर बाबा साहब आम्बेडकर के पोस्टर फाड़ दिए और ऊंची जाति के लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर के पोस्टर बरातियों को न ले जाने की धमकी भी दी। इस घटना के बाद मामला गर्म हो गया और मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से FIR दर्ज कर ली है। इस घटना को लेकर ACP OP सिंह ने कहा है कि पहले हमने दोनों पक्षों को आपस में मामला सुलझाने के लिए कहा, लेकिन दोनों पक्ष नहीं माने, जिसके बाद हमने दोनों पक्षों की तरफ से IPC की अलग अलग धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है। हालांकि दोस्तों अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोस्तों जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये मामला सामने आया है, ऐसा ही एक मामला मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जहां पर कुछ राजपूत समाज के लोगों ने दलित बरातियों पर हमला कर दिया था और दलित बरातियों के साथ मारपीट भी करी थी और दूल्हे को नीचे घोड़े से उतार दिया था और उस मामले में भी पुलिस FIR दर्ज हुई थी। दोस्तों आए दिन हमारे देश में ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पर दलित बरातियों पर हमला होता है और दूल्हे को नीचे घोड़े से उतार दिया जाता है। तो दोस्तों आप इन मामलों के बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे नीचे कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। दोस्तों अब अगली बात निकल कर आ रही है IIT मद्रास से, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। दोस्तों IIT मद्रास में एक नए तरीका का छुआछूत देखने को मिला है, जिसे हम मॉडर्न छुआछूत भी कह सकते हैं, यानी कि आधुनिक छुआछूत। दोस्तों IIT मद्रास में जो मामला निकल के सामने आया है वो यह है कि हॉस्टल मेस में, यानी कि दोस्तों जहाँ पर छात्र लोग खाना खाते वहाँ पर एक अलग किस्म का जातिवाद देखने को मिला है। हॉस्टल मेस में शाकाहारी और मांसाहारी छात्रों के घुसने के लिए अलग अलग दरवाजे, अलग अलग वॉश बेसिन, अलग अलग बर्तन, यहाँ तक कि दोस्तों मांसाहारी और शाकाहारी छात्रों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था भी की गई है। उनके टेबल और कुर्सी भी अलग अलग कर दिए गए हैं। बीते 13 दिसंबर गुरुवार को हिमालय हॉस्टल के मेस के दरवाजे पर यह नोटिस चिपकाया गया, जिसमें यह सारी बातें कही गई थी। इस बात से नाराज होकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और इसे नई तरह का आधुनिक छुआछूत बताया है। मेस के दरवाजे पर चिपकाए गए नोटिस में शाकाहारी छात्रों के लिए और मांसाहारी छात्रों के लिए अलग अलग दरवाजे चिन्हित किए गए हैं और नोटिस के मुताबिक मांस खाने वाले छात्रों को शाकाहारी छात्रों के टेबल पर ना बैठने की सलाह दी गई है, परंतु दोनों ग्रुप को एक ही मेज पर खाना दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो शाकाहारी ग्रुप है और जो मांसाहारी ग्रुप है उन्हें एक ही मेज में खाना दिया जाएगा, लेकिन उनकी वॉश बेसिन, उनके बर्तन, उनके टेबल कुर्सी और उनके आने जाने के दरवाजे अलग होंगे। तो इसे लेकर छात्रों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली और छात्रों ने इसके लिए प्रदर्शन भी किया। दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से। आप सभी को पता ही होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी अभी NDA गठबंधन में है और वह अभी वर्तमान योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है, लेकिन कई बार देखा गया है कि ओम प्रकाश राजभर जी NDA और BJP के ऊपर हमला करते रहते हैं। अभी दोस्तों उनका एक बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में मायावती जी और अखिलेश यादव जी का गठबंधन हो जाता है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाता है, तो भाजपा उत्तर प्रदेश में 10 सीट भी नहीं जीत पाएगी, ऐसा उन्होंने अपने एक बयान में कहा है। दोस्तों अगली खबर है महागठबंधन को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए एक महागठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन दोस्तों अभी इस महागठबंधन की तैयारी को एक झटका लगा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि 17 दिसंबर को कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने शपथ ली है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने शपथ ली है। जैसा कि देखा गया कि शपथ ग्रहण समारोह में ना ही मायावती जी पहुंची और ना ही अखिलेश यादव जी पहुंचे और ना ही इन दोनों की तरफ से कोई नेतृत्व करने वाला नेता इस शपथ ग्रहण में पहुंचा।
अब दोस्तों ऐसे कई कयास लगाए जा रहे हैं मीडिया की तरफ से और राजनीतिक गलियारों में कि क्या महागठबंधन में फूट पड़ चुकी है या फिर इसके पीछे एसपी और बीएसपी की कोई चाल है सिर्फ बंटवारे को लेकर यूपी के अंदर। दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को एक और न्यूज दिया था, 10 दिसंबर को भी विपक्षी एकता की बैठक दिल्ली में हुई थी लेकिन वहां पर भी मायावती जी और अखिलेश यादव जी नहीं पहुंचे थे, ना ही इन दोनों की तरफ से कोई नेता पहुंचा था उस बैठक में। तो दोस्तों ये कयास अब तेज हो गए हैं कि क्या महागठबंधन में अखिलेश यादव और मायावती जी शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, या फिर ये लोग कोई थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मायावती जी और अखिलेश यादव ने कांग्रेस को समर्थन दिया है मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। अब दोस्तों आपको जो भी लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली खबर है भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता ही हुआ कि 15 दिसंबर को साहब काशीराम के ऊपर बनी मूवी द ग्रेट लीडर काशीराम यूट्यूब पर रिलीज की गई है नेशनल स्तर के ऊपर, तो दोस्तों वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी ने बताया है कि वो भारत देश में ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ईवीएम से वोटों की चोरी होती है यह लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी ने ईवीएम को लेकर क्या क्या कहा है आप खुद वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। एक जरूरी बात, भीम आर्मी ने तय किया कि वोट की चोरी रोकने के लिए कोई राजनीतिक दल आगे नहीं आएगा, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोज में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनपे कोई ना कोई आरोप है, तो वो सत्ता के खिलाफ बिल्कुल स्पष्ट नहीं लड़ सकते। तो भीम आर्मी ने तय किया कि वोटों की चोरी रोकने के लिए भीम आर्मी इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन ईवीएम के खिलाफ करेगी और प्रयास करेगी कि वोटों की चोरी बंद हो, क्योंकि साहब काशीराम ने हमें सिखाया कि वोट की सुरक्षा में बहन बेटी की इज्जत की तरह करनी है, तो बहन बेटी की इज्जत हमारी इतनी हल्की नहीं है कि कोई उसकी चोरी कर ले, तो इसलिए भीम आर्मी पूरी शिद्दत से और पूरी ताकत से। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा ही होगा कि चंद्रशेखर आजाद जी ने ईवीएम को लेकर क्या क्या कहा है, तो दोस्तों आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आगे जो कुछ भी होगा उसकी अपडेट मैं आप लोगों को अपने चैनल पर सबसे पहले ही दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें बिना कहीं मत जाइएगा। आज की वीडियो का लाइक एम है 30 likes, प्लीज 30 likes पूरे कर दीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ जाता है अगली वीडियो बनाने के लिए। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बाजू में एक नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा के हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बन जाइए। दोस्तों आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।